और सबसे बड़े पर नजर न होने से घाटा उस व्यक्ति को होता है, बड़े को नहीं। जैसे बेटा माँ बाप को प्रणाम न करे तो घाटा माँ बाप को नहीं है, बेटे को है। दादा दादी को प्रणाम न करे तो घाटा दादा दादी को नहीं है, बेटे को पोते को है। परंतु अभिमानी आदमी समझ नहीं पाता, इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में बार बार अगर कोई बात छोड़ने की कही है तो कई बातें छोड़ने की कही, उसमें एक अभिमान मुख्य रूप से बताया है। थोड़ी देर के बाद जब अर्जुन आए तो देखा भगवान आराम कर रहे हैं, तो बड़ा विवेकी आदमी, कहाँ बैठना कैसे बैठना, पूरा विवेक था अर्जुन में। भगवान के मुखमंडल के तरफ देखा है उसने, मन ही मन प्रणाम किया, क्योंकि सुना था कि लेटे हुए को प्रणाम नहीं किया जाता है, उसके पैर नहीं छुए जाते हैं। घर पे दादा दादी पिता माँ लेटे हुए हों तो उनके पैर नहीं छूने चाहिए। वो सोए हैं और आपको बाहर जाना है सुबह जल्दी, तो भी उनके पैर न छूकर उनको मन ही मन प्रणाम कर लेना चाहिए। लेटे हुए व्यक्ति के पैर नहीं छुए जाते हैं। अर्जुन ने हाथ जोड़े बस, और भगवान के चरणों के तरफ वो नीचे बैठ गए। बस वहीं पर अस्तित्व के द्वारा निर्णय हो गया कि कौन जीतेगा। इतनी सी बात से पूरी भगवत गीता बस छलक पड़ी है। शब्द भले भगवान ने बाद में कहे हैं, और यहीं सारा काम हो गया। इतने में बस वही निर्णय हो गया, वही युद्ध का परिणाम घोषित हो गया अस्तित्व के द्वारा कि कौन जीतेगा। चूक गया दुर्योधन अभिमान के कारण। अर्जुन के द्वारा भगवान के चरणों के तरफ नीचे विनम्रता से बैठने मात्र से उसकी जीत का बीज पड़ गया कि यही जीतेगा। मनुष्य जन्म पाकर अगर व्यक्ति इतना भी नहीं सीख पाया तो उसने कुछ भी नहीं सीखा। फिर भले बीए की पढ़ाई कर ली हो या एमबीए की पढ़ाई कर ली हो, एमडी की डिग्री पा ली हो या डीलिट की पढ़ाई, जो भी बड़ी से बड़ी डिग्रियां हैं, अगर ये विद्या जो अर्जुन के पास थी, श्री कृष्ण तो उपदेश बाद में देंगे, पर आप अर्जुन की शिष्टता देखो। जब भी किसी का कल्याण होता है तो शिष्टानुमोदित साधन से ही होता है। अहंकार व्यक्ति को ठीक से देखने नहीं देता। जैसे दुर्योधन को दिख नहीं रहा था कि मुझे कहां बैठना चाहिए और मैं कहां बैठ रहा हूं। संसार में कितने लोग ऐसे हैं जो सत्संग में बैठना चाहिए पर बैठ नहीं पाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को ही देख लो ना, इन सबको आके बापू के सत्संग में बैठना चाहिए और गुरुदेव का क्या अनुभव है वो उनके शब्दों के द्वारा सुनना चाहिए, पर नहीं सुन पाते हैं। बैठना दुर्योधन की तरह ठीक भी नहीं लगता उनको कि कैसे बैठे, अर्जुन को बैठना ठीक लगता है। एक व्यक्ति के सर से खून निकल रहा था, डॉक्टर के पास ले जाया गया उसको। डॉक्टर पट्टी करने लगे पर स्वाभाविक डॉक्टर पूछते भी है कैसे लगी चोट, क्या हुआ था, कैसे लगी चोट, सिर से खून कैसे निकला। वो बोला, डॉक्टर साहब मैं तो हाथ से दीवार तोड़ रहा था। तो
किसी ने अचानक कहा, भले आदमी कभी तो खोपड़ी का इस्तेमाल किया करो। तो मैंने सिर दे मारा दीवार में, कभी तो खोपड़ी का इस्तेमाल करो, तुझे मेरा सिर फूट गया। अब आप देखो कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भी यही कर रहे हैं, काम धंधा दूसरा कुछ है नहीं, बस इधर की खबर उधर की खबर, और कई तो ऐसी खबर के बस प्रलय हो जाएगी, ऐसा हो गया, ये एक महीना पहले की खबर, ये फलानी, ये ईश्वर से तो कोई लेना देना ही नहीं। हम मरेंगे, ये शरीर छूटेगा, अर्जुन की तरह हमें किसी के चरणों में बैठना चाहिए। विवेक ही मारा गया है। अविवेकी आदमी न खुद का भला कर सकता है न दूसरों का भला कर सकता है। अपना दिमाग भी खराब करते हैं, दूसरों के दिमाग में भी कचरा भरते रहते हैं। नहीं तो क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले ये नहीं दिखा सकते कि देखो कहां कहां गरीबी है और ये गरीबी दूर कैसे की जा सकती है, ये दिखा सकते हैं। देश का रुपया क्यों गिर रहा है, इसका कारण क्या है, और ये कारण, इन कारणों को अपनाया जाए, इन बातों को अपनाया जाए तो हमारे देश के रुपए की वैल्यू बढ़ सकती है। अपना दिमाग ही नहीं, दीवार से सिर फोड़ रहे हैं और दूसरों के दिमाग में गंदगी भर रहे हैं, बैठना नहीं आता। अर्जुन को बैठना आ गया और बैठते ही बस अस्तित्व ने घोषणा कर दी कि जीतेगा ये आदमी। थोड़ी देर बीती, भगवान कृष्ण की आंख खुली और आंख खुलते ही नजर किस पर पड़ी, सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी। ये संकेत था भगवान कृष्ण का कि विनम्र व्यक्ति पर ईश्वर की नजर जरूर पड़ती है, अभिमानी पर पड़े न पड़े पर विनम्र व्यक्ति पर जरूर जरूर पहले नजर पड़ती है। विनम्र व्यक्ति, श्रद्धावान व्यक्ति जो होगा, जिसका निवेदन नम्रता और श्रद्धा से भरपूर होगा, वो उसकी नम्रता और श्रद्धा उसको पहुंचा देगी गंतव्य तक। भगवान की नजर पहले अर्जुन पर पड़ी और पूछा, कब आए? दुर्योधन ने कहा, इससे पहले मैं आया हूं। तब भगवान की नजर पड़ी कि इधर भी कोई बैठा है। नहीं तो चुप बैठा रहता, और जहां अर्जुन बैठा था उधर जाके चरणों में प्रणाम करके कहता, प्रभु मैं भी आपके दर्शन को आया था, ये भी बोल सकता था, पर इससे पहले मैं आया हूं। अहंकारी हमेशा चूकता रहता है, विनम्र व्यक्ति हमेशा फायदा उठाता रहता है। कभी कभी अभिमानी व्यक्ति नम्र दिखेगा पर लोभ के कारण, स्वार्थ के कारण, जैसे चुनाव के दिन हो ना, तब कई राजनेताओं को सत्संग में जाने का बहुत जल्दी विचार आता है कि हम जाएं सत्संग में। तब बापू याद आ जाते हैं कि हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। तो भगवान ने कहा कि मेरी नजर पहले अर्जुन पर पड़ी है, इसलिए मांगने का अधिकार भी पहले अर्जुन का है। मांगो अर्जुन, क्या मांगते हो? अब दुर्योधन घबराया कि क्या मांग लेगा। भगवान ने कहा, एक तरफ मेरी पूरी सेना होगी और एक तरफ केवल मैं होऊंगा, और हथियार बिना हथियार मैं कुछ नहीं उठाऊंगा। बोला अर्जुन, दोनों में से क्या चाहिए? दुर्योधन सोचने लगा कि अब क्या मांग लेगा, पर अर्जुन ने तो भगवान से भगवान को ही मांगा। दुर्योधन राजी हो गया, सोचने लगा कि पागल है अर्जुन, क्या मांग रहा है। अभिमानी आदमी को भक्त हमेशा पागल ही लगेगा।
अंधश्रद्धालु लगेगा। और हम देखते हैं निंदा करने वाले, आलोचना करने वाले साधकों की, सत्संगियों की ही आलोचना में लग जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्या जरूरत है? दुर्योधन मन में सोचता है कि अर्जुन पागल है, जुआ में तो ये पांडव मेरी और शाकुनी की चालाकी से हारे और यहां अपनी बेवकूफी से हार गए, अब इनको क्या मिलेगा? मैं तो बड़ी सेना मांग लूंगा, इसने श्री कृष्ण को मांगा वो भी बिना हथियार के, अब तो ये हारे ही निश्चित है। परंतु कौन हारा ये हम सब जानते हैं। अर्जुन बनने को कोई तैयार हो तो श्री कृष्ण की गीता भी प्रकट होने को तैयार है और उस विराट व्यापक अस्तित्व का आशीर्वाद भी अर्जुन पर बरसने को तैयार है। जो अर्जुन बनने को तैयार हो, ऐसे भक्त की गुरु सदैव सहाय करते हैं। तामसी श्रद्धा वाला शिष्य होगा वो सोचेगा कि बस हम तो गुरु जी के चरणों में समर्पित हैं, गुरु जी बस कृपा कर दो, आपकी कृपा से मेरे सब दुख दूर हो जाएं। पर समर्पित करने को है क्या उसके पास? तमस, नींद मोह की, अंधकार, अज्ञान, और है क्या समर्पित करने को? बोलो। पर राजसी श्रद्धा वाला शिष्य वो गुरु की शरण जाएगा, बाहर से चीज छोड़ता हुआ दिखेगा पर भीतर दुनिया के पदार्थों और संपत्ति पर अपनी पकड़ मजबूत रखेगा कि ये मेरे से न छूटे। इसलिए हनुमान जी ने पांच पर अपनी मुष्टिका से, मुट्ठी से प्रहार करके हम साधकों को सीख दी है कि आप भी इन पांच पर प्रहार करो। किस किस पर हनुमान जी ने प्रहार किया? एक तो सिंहिका पर प्रहार की, सिंहिका को मारा, उसके सिर पे मुक्का दे मारा, जो हनुमान जी की गति रोक रही थी, सीता जी तक पहुंचने में विघ्न बन रही थी। सिंह का ईर्ष्या की प्रतीक है। जो साधक अपने से धन में, पद में, अधिकार में, योग्यता में बड़े को देखकर कभी ईर्ष्या करता है अगर कोई, तो फिर हनुमान जी की सीख है कि इस ईर्ष्या रूपी सिंहिका को मारो, नष्ट करो। दूसरा प्रहार किया हनुमान जी ने मुक्के से लंकिनी पर, वो भी रोक रही थी और वो तो खा जाने को ही कह रही थी कि मैं तुमको खा जाऊंगी मारकर। मुट्ठी का एक महाकपि हनि रुधिर भमत धरनी डनमन, वो गिर पड़ी। हनुमान जी ने प्रेरणा दी है कि अपने जीवन में सदैव साधक भक्ति के मार्ग में आने वाली हर रुकावट को दूर करता चले, नहीं तो संसार में रुकावटें बहुत हैं और उन रुकावटों के बीच व्यक्ति घिर जाएगा तो जीवन तो निरंतर पूरा हो ही रहा है, हर पल उम्र घट रही है। हम लोग अपने अपने निवास से, घर से चले थे यहां आने के लिए, तब जो आपकी और मेरी उम्र थी वो अभी नहीं है, और अभी सत्संग के बाद फिर जाएंगे खाने के लिए या घर की ओर, तो अभी जो उम्र है वो घर पहुंचते पहुंचते उतनी नहीं रहेगी, उतना समय आयु का बीत गया। हनुमान जी ने तीसरा मुक्का दे मारा था मेघनाद रावण के बेटे को, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई ताही एक क्षण मूर्छा आई, मेघनाद को दे मारा जोर से।
मेघनाथ ये विकार का प्रतीक है। हनुमान जी प्रेरणा देते हैं कि कोई भी विकार हो, चाहे क्रोध विकार हो, चाहे लोभ विकार हो, चाहे काम विकार हो, चाहे कोई भी मोह विकार हो, उसके ऊपर मुक्का दे मारो, मतलब उसको मिटाओ। चौथा हनुमान जी ने मुक्का मारा था कुंभकर्ण को, रावण के भाई को, जिस कुंभकर्ण के लिए लिखा है कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा करहीं भालू कपि एक एक बारा, पर्वतों और चट्टानों की मार तो रुई के ढेर के ऊपर पड़े ऐसी लग रही थी उसको, जैसे कोई रुई का ढेर उठाकर अपने पर कोई रुई उठाकर मारे तो क्या लगेगा अपने को, ऐसा लग रहा था कुंभकर्ण को। जब वानर बड़ी बड़ी चट्टाने उठाकर पर्वत उठाकर उसके ऊपर डाल रहे थे तो उसको लग रहा था मानो कोई रुई फेंक रहा मेरे ऊपर। वो कुंभकर्ण हनुमान जी के एक मुक्के से तिल मिला उठा और गिर पड़ा धरती पर। उठा, जो ही उठा हनुमान जी ने खाली मुक्का दिखाया, वो अपने आप गिर गया। फिर से हनुमान जी ने दोबारा मारा नहीं उसको, खाली दिखाया, गिर पड़ा वो, बस 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 बस, अब दूसरा नहीं। तब मारुत सुत मुठी का हण्यो पर्यो धरणी व्याकुल सिर दुनियो, पुनि उठी तो ही मारे हनुमंता धुर्मित भूतल परे उतुरंता। और फिर हनुमान जी ने पांचवा मुक्का मारा रावण को, मुठी का एक ताही कपि मारा परे उसैल जनु वज्र प्रहारा, मूर्छा गए बहोरी सो जागा कपि बल विपुल सराहन लागा। मुठी की पांचों उंगलियां हनुमान जी ने प्रेरणा दी है। मुठी किसी को ऐसे मुक्का मारेंगे तो ये पांच, चार उंगलियां और अंगूठा पांच एक हो जाएंगे ना, तो ये पांच उंगलियां पांच ज्ञान इंद्रियों की प्रतीक है। हनुमान जी ने शिक्षा दी है कि इन पांच ज्ञान इंद्रियों को जो वश में करने के रास्ते चलेगा, पूरी तरह तो वश कर पाए बलिहारी है, पर इन पांचों को वश करने के रास्ते जो चलेगा वो अपना बल बढ़ा सकेगा। पांच ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, स्पर्श इंद्री, इन पांच को हनुमान जी कहते हैं मुट्ठी का, मुट्ठी बांधी मतलब इन पांच को वश करें। कई लोग नहीं बोलते मुट्ठी बांधो और संकल्प करो, मुट्ठी बांधो संकल्प करो, कई संकल्प हुए और उसके ऊपर विकल्प भी हो गए, परिणाम क्या आया? मुट्ठी बांधो संकल्प करो मतलब ये हनुमान जी संकेत दे रहे हैं कि पांच ज्ञान इंद्रियों को वश में करके कोई संकल्प करो तो आपके संकल्प में जान आ जाएगी, फिर उसको कोई काट नहीं सकता। तो पांच ज्ञान इंद्रियां, इनको जीतने का रास्ता ईश्वर और गुरु की उपासना है, इनकी भक्ति से इन पांच को वश किया जा सकता है। आंखों से सदगुरु के दर्शन, कानों से गुरु की वाणी श्रवण, जीभ से उनके द्वारा मिले हुए गुरु मंत्र का जप और नाक से बंदौ गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। परफ्यूम की सुगंध नहीं, गुरु चरणों के ध्यान की सुगंध। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, उघर ही विमल विलोचन ही के मिटहीं दोष दुख भव रजनी के। तो नासिका के द्वारा इनकी सुगंध,
इनकी सुगंध माना कि हम कहीं भी हों, किसी भी स्थान में हों, वहां बैठकर अपने सदगुरु का ध्यान सुमिरन करें तो लगे कि वो हमारे आसपास हैं, यहीं पर हैं। इस अर्थ में बाकी गुरु चरणों के ध्यान की सुगंध बंदव गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अब हर व्यक्ति तो गुरुदेव के इतना निकट बैठ नहीं पाया कि उनके चरणों की उनके उनके आसपास बैठने से कैसी दिव्य सुगंध आती है वो हर कोई व्यक्ति का अनुभव नहीं है। तो इस अर्थ में के वो मेरे आसपास है, कभी भी जब शांत होकर बैठे तो देखे कि हाँ वो है। और ये तब संभव होगा कि जब भगवत गीता में एक श्लोक आता है, दसवें अध्याय में 31वां श्लोक, भगवान कहते हैं पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्र भृतामहम जशाणाम मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवनः पवतामस्मि मतलब पवित्र करने वालों में वायु मैं हूं। भगवान वायु को हवा को अपनी विभूति बताते हैं। क्यों? कि एक तो वायु स्वतंत्र है, हवा स्वतंत्र है ना, उसको कोई बांध नहीं सकता है, उसको कोई कैद नहीं कर सकता है, स्वतंत्र, कहीं भी बंधी हुई नहीं है वायु, किसी से बंधी हुई नहीं है, कहीं हवा ठहरी नहीं है, पसार हो जाती है, कहीं हवा ने कोई लगाव नहीं रखा है कि मैं यहीं पर रहूं, फूलों की वाड़ी में रहूं, ये परफ्यूम की दुकान में रहूं। हवा कहीं ठहरी नहीं, कहीं लगाव नहीं लगाया, कहीं हवा आसक्त नहीं हुई। भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि पवित्र करने वालों में वायु मैं हूं। संकेत दे रहे हैं कि जहां भी जिसके अंतर में लगाव होगा किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति, वहां से पवित्रता चली जाएगी। और जहां लगाव नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, ठहराव नहीं है, जहां जहां व्यक्ति पड़ाव को मंजिल नहीं मानता है, मुंबई से आपको सूरत जाना हो तो रास्ते में कहीं रुके थोड़ी देर पानी पीने के लिए, कुछ खाने के लिए, तो वो पड़ाव है, वो मंजिल नहीं है। पड़ाव को ही मंजिल मान ले, मील के पत्थर को मंजिल मान ले, मुंबई से सूरत जा रहे हैं और माइलस्टोन आया सूरत 125 किलोमीटर, तो बैठ गए कि सूरत आ गया ना, ये सूरत ही है, ये बोर्ड लगा है सूरत। तो जहां मनुष्य शरीर पाकर व्यक्ति पड़ाव को मंजिल मान लेता है और बस ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये सहेली है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी जमीन है, ये मेरा फ्लैट है, ये मेरी दुकान है, मेरे इतने रुपए हैं, ये पड़ाव को मंजिल मान लिया, ठहर गए। तो जहां ठहराव, पानी बह रहा है तो पवित्र है गंगा का यमुना का, पर जहां तालाब में पानी ठहर गया, गंदगी बैक्टीरिया सब बढ़ने लग गए और वो पानी अब पीने लायक नहीं रहा। अरे गंगा जी भी बह रही है तो गंगा में पानी थोड़ा अगर साइड में किसी खड्डे में जमा हो गया, थोड़े दिन पड़ा रहा, तो उसमें भी फिर वो पानी कोई कैन में भरकर ले नहीं जाएगा कि गंगा जल है, मैं हरिद्वार से लाया हूं, मूल धारा जो बह रही है उसमें से लोग पानी भरेंगे। ऐसे ही व्यक्ति की आसक्ति अगर किसी देह में हो गई, किसी वस्तु में हो गई, तो वहां से भगवान कहते हैं पवित्रता चली जाती है। तो वायु का प्रथम लक्षण है कि वो कहीं रुकती नहीं, हम भी कहीं रुके नहीं, अटके नहीं, हरिओम तत्सत बाकी सब गप सप। आईना किसी की आकृति को पकड़ता है? नहीं पकड़ता। कोई आया आईना उसका प्रतिबिंब दिखा देता है पर उसके आकार को पकड़ता नहीं। हम भी किसी से मिले किसी के आकार को अपने अंदर बसाए नहीं, आईना किसी को नहीं पकड़ता। ऐसे
क्योंकि आकार की पकड़ व्यक्ति में विकार पैदा करेगी। किसी की आकृति मन में बसाई तो मन में विकृति जरूर आएगी। तो भगवान ने इसलिए कहा पवनः पवतामस्मि, पवित्र करने वालों में वायु मैं हूं। और वायु शब्द का उल्टा कर दो तो क्या होता है, आप देखो वायु को उल्टा दो तो युवा, युवा खास वायु की तरह बने। जिनकी उम्र 15 से 45 साल के अंदर है अभी भी, वो युवा है। 45 वर्ष की आयु तक युवावस्था है, 45 के बाद मध्यावस्था है, और 60 के बाद वृद्धावस्था शुरू होती है। और 60 से भी ज्यादा उम्र हो गई किसी की, वो भी चिंता न करें। सिख धर्म के दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद देव जी, अमरदास जी महाराज 70 साल से ज्यादा उम्र हो गई थी और गुरु अंगद देव जी के पास गए थे, पर ऐसी तो अपने गुरु के प्रति भक्ति दिखाई। 70 साल, हाँ 70 એટલે ગુજરાતી માં નથી કહેતો, ગુજરાતી વાળા 70 સમજો પાછા। 70 સાલ की उम्र हो गई, उसके बाद अमरदास जी गुरु अंगद देव जी के पास पहुंच गए और ऐसी सेवा और भक्ति की कि सिख धर्म के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी हुए। विशेष रूप से भगवान खास ये वचन मानो युवाओं में जागृति लाने के लिए कह रहे हैं कि पवित्र करने वालों में वायु मैं हूं। तो एक तो वायु कहीं रुकती नहीं है, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, वायु दिखती नहीं है। हवा कहां दिखती है, उसका कोई आकार नहीं है। और तीसरी बात, ये पकड़ में नहीं आती है। हम भी किसी की पकड़ में ना आए। गंगा के नीर की तरह बहते चले, बहते चले। लोग बेकार में बंध जाते हैं। तोते पकड़ने वाला बहेलिया क्या करता है, एक रस्सी पोले बांस के अंदर से निकाल लेता है, दो बल्लियां गाड़कर उसको बांध देता है रस्सी, तो बांस है ही, रस्सी बीच से निकली हुई है। नीचे हरी मिर्च आदि तोते को अच्छा लगे ऐसा खुराक रख देता है। तोते उड़ते उड़ते आते हैं, अपना प्रिय खुराक देखकर खाने के लिए उस बांस पर आकर बैठते हैं, और जो ही मिर्ची खाने के लिए वो झुकते हैं त्यों ही बांस घूम जाता है। बांस घूमते ही तोते हो जाते हैं उल्टे, तो उनको लगता है किसी ने हमको पकड़ लिया, चिल्लाते हैं, पर केवल अपनी पकड़ नहीं छोड़ते हैं। बस ये नहीं सोचते कि हम आकाश में उड़ सकते हैं। अगर हम ये छोड़ देंगे तो हम कोई गिर के मर नहीं जाएंगे, हम छोड़ देंगे तो हमारे पास पंख है, हम उड़ान भर सकते हैं, परंतु नहीं छोड़ते हैं, पंखों का उपयोग नहीं करते हैं। अब जिसके पास पंख हो क्या गिरेंगे, पर भाई साहब इंसान ही नहीं समझते तो तोतों को कौन समझाए। इंसान के पास भी पंख हैं पर वो खुद नहीं समझता, तोता क्या समझेगा, वो तो बेचारा पक्षी है। मनुष्य ही नहीं समझता, वो चाहे तो विवेक और वैराग्य की पंखों का उपयोग कर सकता है, पर नहीं। तो इसीलिए बार बार सत्संग जरूरी है ताकि उन अदृश्य बंधनों का पता चल सके और जीवन काल में ही मुक्ति का अनुभव कर सके। और सत्संग देने वाले सद्गुरु निस्वार्थ हैं, निष्काम हैं, हमसे कुछ नहीं चाहते बल्कि हमारी भलाई चाहते हैं। संसार में तो लोग पहले स्वार्थ की सोचते हैं। एक आदमी ने मिठाई की दुकान खोली और अखबार में विज्ञापन दिया, हेल्पर इज नीडेड, क्वालिफिकेशन शुड बी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, ये इसका विज्ञापन आप देखो।
मेरे को एक ऐसा हेल्पर चाहिए जिसको डायबिटीज हो, ताकि मेरी मिठाइयां खा न जाए चख चख कर। अपना स्वार्थ पहले सोचता है आदमी। एकमात्र ईश्वर और ईश्वर प्राप्त गुरु वो निस्वार्थ हैं, वो हमसे कुछ नहीं चाहते, हमारी उन्नति जरूर चाहते हैं, हमारा भला चाहते हैं, हम बंधन मुक्त हो जाएं ऐसा वो चाहते हैं। मछलियां होती है ना, जाल में फंसती है तो जाल के धागों को पकड़े रहती है, उनको लगता है शायद इन धागों के सहारे वो खुद की रक्षा कर सके, और उन धागों जाल के धागों के सहारे क्या रक्षा होगी उसकी। मछलियां और तोतों के जाल तो दिखाई देते हैं, परंतु लोगों के जाल अत्यंत सूक्ष्म हैं, दिखते नहीं हैं, और बाधा यही है कि जाल को जाल ही नहीं समझते हैं। लगता ही नहीं, इसलिए सत्संग चाहिए, ताकि सत्संग के द्वारा विवेक जगे, और विवेक जगे तो हो ही विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। इसलिए सच्चे भक्त गाते हैं, कहते हैं तुमसा प्यारा नहीं कोई लगता हमें, तेरे दर्शन से ही सुख मिलता हमें। एक तेरा सहारा ही काफी हमें, तुमसा प्यारा नहीं कोई लगता हमें, तुमसा प्यारा नहीं कोई लगता हमें, तुमसा प्यारा नहीं कोई लगता हमें, दर्शन से ही सुख मिलता हमें, दर्शन से ही सुख मिलता हमें, एक तेरा सहारा ही काफी हमें, एक तेरा सहारा ही काफी हमें, एक तेरा सहारा ही काफी हमें, एक तेरा सहारा देखा ना, बाहर के सहारे सब ऐसे ही हैं। ये भजन के टाइम ही प्रेरणा दी ईश्वर ने, हे हरि हे हरि, हे भगवान असतो माम सद्गमय, तमसो माम ज्योतिर्गमय, मृत्योर माम अमृतम गमय, मृत्योर माम अमृतम गमय, हमें असत्य से बचा प्रभु, तमस से बचा, तमसो माम ज्योतिर्गमय, मृत्योर माम अमृतम गमय। सोल्जर ने कहा अपने साहब को, मेजर को, सर वी आर अराउंडेड फ्रॉम ऑल माइट्स बाय एनिमीज, साहब चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर लिया है। मेजर बोला एक्सीलेंट, वी कैन अटैक इन एनी डायरेक्शन, बहुत बढ़िया है, चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर लिया, तुम कहीं से भी हमला कर दो। अब चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर लिया है और मेजर बोलता है बहुत बढ़िया, चारों तरफ से घेरा, तुम कहीं से भी आक्रमण कर दो। बात सचमुच पते की है, भले वो तो ऐसे ही बोल गया, मुसीबत चारों तरफ से घेरे हुए हो, पैसों की तंगी हो, शरीर बीमार हो, घर पे कुछ झगड़ा चल रहा हो, फिर भी हिम्मत हार न जाएं,
गुरुदेव के सत्संग के वचनों को याद करके, गुरु मंत्र का जप करके हम कदम आगे रखते जाएं, तो निश्चित रूप से जीत अर्जुन की हुई। अर्जुन भगवान के चरणों के तरफ बैठे थे, आप सब भी यहाँ गुरुदेव के चरणों के तरफ ही तो बैठे हैं। पूज्य बापू जी का आसन ऊपर है, हम लोग उनके चरणों में हैं। तो ऐसे साधक जो जीवन में कभी बाद में भी सत्संग का आयोजन पूरा हो जाए 3 दिन बाद, फिर भी जो साधक अपने जीवन में कभी निराशा को स्थान नहीं देते और रोज सत्संग के वचन गुरुदेव के मनन करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, वे जीवन में समृद्धि पाते हैं। लुधियाना की एक लड़की अपनी माँ बाप भाई के साथ गई थी लड़के वालों के यहाँ, लड़का देखने गए थे। तो लड़की अपने भाई के साथ कमरे में बैठी थी, माँ बाप बाहर बैठे थे सोफा पर। तो खबर आई कि लड़का आ गया है तैयार होकर। तो भाई ने कहा बहन को चलें, बहन बोली ठहर। उसने अपना पर्स से मोबाइल निकाला और वॉलपेपर पर बापूजी की तस्वीर लगाई हुई थी। तो तस्वीर देखनी चाहिए कि मैं दर्शन करके फिर जाऊं। अचानक उसका फ़ोन बंद हो गया, बैटरी डाउन नहीं थी पर फिर भी फ़ोन बंद हुआ। तो उसने अपने भाई को कहा कि गुरुदेव मना कर रहे हैं, ये संकेत है कि मत जाओ, चलो मैं लड़का देखने नहीं जाऊंगी बाहर, मैं घर जाऊंगी। वो घर आ गई। 3 दिन बाद पता चला कि वो लड़का महाजुआरी था, पकड़ा गया, पुलिस में ले दे के छूट गया था और उसके धंधे ऐसे ही थे। लड़की ने अपने माँ बाप को कहा देखा मैं तभी वॉलपेपर पर गुरुदेव का दर्शन करना चाहती थी, फोन ही बंद हो गया। तो जो साधक रोज इस प्रकार कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हनुमान जी की तरह बार बार रघुवीर संभारी, बार बार अपने इष्ट का स्मरण करता है, तो निश्चित रूप से स्वामी के द्वारा उस सेवक को, भक्त को प्रेरणा मिलती रहती है, जिससे उस सेवक का मंगल होता है, उससे सही प्रेरणाएं मिलती है और वो अपना कार्य पूरा करके जीवन में कदम कदम पे सफलता पाता है। तो ये संसार है मृत्यु लोग। आयुष्य का धन जितना ईश्वर की तरफ से मिला है उसमें से कम तो होता ही जा रहा है, पर अब क्या करें। जैसे धारा, धारा का अर्थ होता है बहिर्गमन, भाई धारा बह रही है, गौमुख से गंगा की धारा बह रही है सागर की ओर। धारा माने बहिर्गमन, यमुना यमुनोत्री से चल रही है, गंगा गौमुख से चल रही है, गंगोत्री से अपने मूल स्रोत से दूर होती जा रही है धारा। तो धारा शब्द को उल्टा दो तो हो जाता है राधा। राधा माने जो स्रोत के तरफ आए, उद्गम के तरफ आए। तो हम सब के उद्गम है ईश्वर। गंगा का उद्गम गौमुख गंगोत्री, यमुना का उद्गम यमुनोत्री, पर हम सब का उद्गम ईश्वर है। तो सद्गुरु के पास आना मानो अब धारा न रही, राधा हुई वृत्ति, अब ईश्वर की ओर, मूल स्रोत के तरफ। जैसे भगवान कृष्ण की छाया की तरह घूमने वाली सखी को नाम मिला राधा, श्री कृष्ण की छाया बन गई, उसका नाम राधा। तो हमारी धारा बहिर्गमन न करे विचारों की, भावों की, वृत्ति की, जो कहो वो बाहर न जाए। धारा को उल्टा दो राधा, इस राधा नाम में सारे शास्त्र समा गए। बहुत गहरा नाम है ये, संकेत करता है कि अब रज और तम बड़े नहीं, इसकी मात्रा संतुलित हो और सत्व संपन्न हो, सत्व ज्यादा हो, रजोगुण तमोगुण माप का हो। रजोगुण होगा तो आदमी व्यवहार में सफल होगा ना, दुकान पे जाना है, नौकरी करनी है, किसी को कुछ, कोई शिक्षक है, कोई शिक्षिका है, किसी का कोई काम है अर्थोपार्जन के लिए, किसी का कोई है। तो रज होगा, रजोगुण होगा तो आदमी व्यवहार में कुशल होगा।
थोड़ा बहुत तमोगुण होगा तो रात को नींद आएगी। नींद कैसे आएगी, उसका अपनी जगह उपयोग जरूरी है। तो रज और तम की मात्रा संतुलित हो, अति ना हो तमोगुण के। सुबह सूर्योदय के बाद भी सोया है तो तमोगुण की अतिशयता है, बात बात में झगड़ा करता है, तमोगुण की अतिशयता है, गुस्सा बहुत आता है, तमोगुण का लक्षण है। नींद ज्यादा आना, गुस्सा बहुत आना, चिड़चिड़ा स्वभाव होना, ये सब तमोगुण का लक्षण है। तो जहां तमोगुण ज्यादा होगा वहां फिर सत्व संपन्न इसका मतलब नहीं है आदमी, तभी इनकी अधिकता है। और रजोगुण ज्यादा होगा तो आरंभ रुचिता, नए नए काम, बस ये भी दुकान शुरू करूं, ये भी शुरू करूं, ये भी शुरू करूं, इधर भी जाऊं उधर भी जाऊं, तो सारा टाइम उसमें जाएगा। भजन करने का टाइम नहीं मिलेगा, जप करने का टाइम नहीं मिलेगा, उसी काम धंधे में बेचारा थक जाएगा, रात को आके सो जाएगा खाके, सुबह उठ के फिर चला जाएगा, सपने भी वही देखेगा। इसलिए सत्संग जरूरी है ताकि इच्छा और आवश्यकता का भेद समझ में आ जाए। भूख लगी है सुबह समझो, तो घर पे हल्का फुल्का कुछ भी बना के या घर पे माँ बहन भाभी पत्नी से बनवा के खा सकते हैं, पर नहीं भाई चलो भूख लगी है हम जाएंगे मैकडोनल्ड में, मैकडोनल्ड में जाकर पिज्जा खाएंगे, सैंडविच खाएंगे, बर्गर खाएंगे, तो ये है इच्छा। तो लोग क्या करते हैं बेचारे, इच्छा को आवश्यकता समझ लेते हैं। इसलिए कॉलेजों के आसपास बड़े शहरों में मैकडोनल्ड खुले हुए हैं विदेशी कंपनियों के, ताकि देश का पैसा लूट कर विदेशों में जाए खूब। और कॉलेज के युवक युवतियों को इस बात का बेचारों को पता नहीं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं 7-7 दिन तक, उनको ये पता नहीं कि 14 फरवरी हमारे देश में शहीद भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी कि इस दिन इसको फांसी चढ़ाएंगे। देश के जवानों को अगर भगत सिंह की ये वीरता भरी गाथा याद रहे तो हमारे देश का कोई भी जवान वैलेंटाइन डे ऐसे नहीं मनाएगा। वो अपने देश की सेवा के लिए, देश की संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की संपत्ति के जतन के लिए कुछ करेगा। इन सब बेवकूफियों में अपना जीवन अपनी जवानी नष्ट नहीं करेगा। श्री कृष्ण के गीता के 10वें अध्याय के इस 31वें श्लोक को याद रखेगा कि पवित्र करने वालों में वायु मैं हूं, हवा कहीं ठहरती नहीं है। तो युवा का मन भी कहीं ठहरना नहीं चाहिए, एक जगह आसक्त नहीं हो जाना चाहिए। ये लव मैरिज क्यों होती है, ये मन ठहर गया, आसक्त हो गया, लगाओ। तो ये विनाशकारी है। तो तमोगुण की अधिकता है, किसी में रजोगुण की अधिकता है, पर जो सत्संग में जाते हैं और गुरु से भगवान नाम की दीक्षा लेकर जप करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मौन रखते हैं, एकादशी आए तो उपवास करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, गुरु गीता पढ़ते हैं, तो इससे सत्वगुण बढ़ता जाता है। और सत्वगुण बढ़ता जाता है तो आदमी साधना में लेट नहीं पड़ेगा। उसको होगा कि मेरे जीवन का कीमती समय बीतता जा रहा है, मैं क्यों और ज्यादा बिताऊं, मैं भजन में लग जाऊं, बस अब कमाई में लग जाऊं। संसार में लोग ऐसा सुख चाहते हैं जो सात्विकता संपन्न व्यक्ति को मिलता है, पर हैं तमस से भरे हुए। सत्व संपन्न व्यक्ति जो होगा ना, जो बहन होगी, सात्विकता संपन्न जो भाई होगा, उनको ऐसा सुख मिलेगा जो कभी मिटे नहीं, जिस सुख की उम्र पानी के बुलबुले जितनी ना हो। संसार के जितने भी सुख हैं सब पानी के बुलबुले के जितनी आयु है उनकी, और लोग चाहते हैं सुख ऐसा कि जो खत्म ना हो, वो मिलता है सत्व संपन्न व्यक्ति को, जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, उपासना के द्वारा। सत्व संपन्न व्यक्ति स्वाभाविक ही साधन भजन उसका होता रहता है, और
सत्वगुण कम है, तम और रज ज्यादा है, तो उसको मन लगाना पड़ता है। मेरा मन लग जाए, मेरा मन लग जाए, रो दुखी रहता रहता है, मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता। तो देखना चाहिए कि मन लग जाए उसके लिए जो योग्यता चाहिए वो मेरे में है कि नहीं, मेरा सत्व बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, उधर ध्यान देना होगा। तो सत्व बढ़ेगा सात्विक आहार से, सत्व बढ़ेगा सुबह जल्दी उठने से, सत्व बढ़ेगा पर्वों के दिन उपवास आदि करने से। अब महाशिवरात्रि का पर्व आए और उस दिन भी उपवास न करें और खाता रहे, बोले कौन करता है, क्या जरूरत है करने की? नहीं, बहुत जरूरत है करने की। जो कर सकते हैं, स्वास्थ्य बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं है, तो मैं तो कहूँगा महाशिवरात्रि 20 फरवरी को है, उस दिन बिल्कुल सख्ती से सुबह सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक पानी भी न पिए। ऐसी बहादुरी का अगर परिचय देता है कोई जवान, तो उस जवान की जवानी वंदनीय हो सकती है, उसका भाग्य चमकेगा, उसका भविष्य उज्जवल होगा। अब आज 30 तारीख है, ठीक है, कल 31 तारीख देखना पूरे देश में पागलपन का परिचय कैसे देते हैं लोग। रात को पार्टियां होगी, डिस्को करेंगे, नाचेंगे, कोई शराब पिएंगे, कोई बियर पिएंगे, क्यों? हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, एक दूसरे को मैसेज करेंगे हैप्पी न्यू ईयर। पागलपन का परिचय देने में पीछे जरा भी नहीं हटेंगे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, जरा भी नहीं सोचेंगे हैप्पी न्यू ईयर के 12 अक्षर क्या हमारे आने वाले 2012 के 12 महीने सुखमय बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हैप्पी न्यू ईयर में रह गया अंग्रेजी अक्षरों में, इससे तो 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले ना, तो जरूर 12 महीने सुख में जा सकते हैं। बाकी हैप्पी न्यू ईयर बोलने से किसी के 12 महीने सुख में जाएं ऐसा मुझे नहीं लगता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 महीने बढ़िया जाए। और मैं तो कहता रहता हूँ, ये मुंबई समुद्र किनारे है ना, कई जवान कई समुद्र किनारे भटकने जाते हैं और क्या क्या करते हैं, पर समुद्र किनारे जाकर दिया जलाकर दिखा दे, समुद्र की बेटी है लक्ष्मी, समुद्र से प्रगटी सागर मंथन के समय अगर दिया दिखाए और ओम वम वरुणाय नमः थोड़ा गुरु मंत्र जपे मन में, तो सागर के अधिष्ठाता वरुण देव भी राजी हों, लक्ष्मी भी राजी हों। पर सागर किनारे बैठकर फिल्म के गाने सुने और उधर गंदगी करें तो लक्ष्मी माता सोचेगी कि इसको कोई लाज शर्म नहीं है, इसके घर पे जाना ही नहीं है, सदा के लिए इसके घर का त्याग। पर वहाँ बैठकर जप करे, दीप दिखा दे कभी, तो स्थान के देवता होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। अपने मूल स्रोत के तरफ चले। सत्संग इसीलिए है कि हमें अपने उस मूल की याद आए और बहिर्मुख ना हो, अंतर्मुख हो, ना समझी दूर हो, समझदारी बढ़े। भगवान कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है, 3 काम कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए, यज्ञ दान और तप। यज्ञ करना मतलब अहिंसक यज्ञ, जप करना गुरु मंत्र का, ये हमेशा करो। दान करना, भगवान ने धन दिया है तो अच्छे काम में लगाओ, सत्संग की पुस्तकें लेकर दूसरे लोगों तक पहुंचाओ। और धन नहीं है, चलो कोई जितना कमाते हैं घर में जरूरी है उतना पैसा, दान धन का नहीं कर सकते तो शांत बैठ के अंदर में देखें कि मेरी कहां कहां आसक्ति है, वो आसक्ति मेरी छूटे, मेरी गुरु चरणों में भक्ति बढ़े। हे हरि, हे हरि, हे हरि, ये भी दान है। और तप, ये तपस्या अभी हो रही है स्वाभाविक। तो कल 31 तारीख आदित्य पुराण के अनुसार कल उभय सप्तमी है, कल की तिथि पौष मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है। आदित्य पुराण में उभय सप्तमी कहकर संकेत किया कि मनोरथ पूरे हो सकते हैं उस आदमी के जो 31 दिसंबर सप्तमी तिथि को दिन में 3 बार सूर्य को अर्घ्य दे, लोटे में रोली चावल शक्कर गुलाब की पंखुड़ियां डाल दें और सुबह सूरज उदय हो तब, दोपहर के 12 बजे और शाम को सूर्यास्त होने वाले हो तब,
तीन टाइम अर्घ्य दें, तिल के तेल का दीपक जलाकर दिखाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें, तो उभय सप्तमी उस व्यक्ति का भाग्य उदय होगा, मनोरथ पूरे होंगे। और जिसको समझो कोई इच्छा नहीं है, चलो सब ठीक है, तो सूर्य भगवान को ये प्रार्थना करें तीनों टाइम अर्घ्य देकर कल के, भगवान आप सच्चे और पक्के गुरु भक्त हैं, मैं भी मेरे गुरु का सच्चा भक्त बनूं, ऐसा जैसे आप बृहस्पति जी के हैं ऐसे मैं सच्चा भक्त बन सकूं, ऐसी मुझे शक्ति देना और सद्प्रेरणा देना, ऐसी भी प्रार्थना करके कल के दिन सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं, जप कर सकते हैं विशेष, और आदित्य हृदय का पाठ कर सकते हैं। तो यज्ञ माने केवल हवन कुंड बनाकर बैठना ही नहीं, यज्ञ माने आदि दैविक उपासना, दान माने भौतिक लोभ की निवृत्ति, और अपनी इंद्रियों द्वारा विषय त्याग, ये तप है। भगवान कहते हैं इन तीन का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। आदि दैविक उपासना में गुरु मंत्र का जप, ध्यान आदि सब आ गया। भौतिक लोभ की निवृत्ति, संसारिक चीजों का ज्यादा लोभ नहीं, जितना है वाह वाह, दिखावा क्या करना कि नहीं नहीं दिखावा करो, लोग क्या बोलेंगे, नहीं मरेंगे तो भगवान क्या बोलेंगे, लोगों की आंख में मूल्यवान होने की कोशिश नहीं करें हम, ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान होने का कुछ उपाय करें। तो जो ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हो, यहां सत्संग में गुरुदेव के दर्शन सत्संग के लिए आकर बैठना, ये ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान होना है। बाकी शादी में नहीं जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, शादी में जाए और सत्संग में न जाए तो समझो लोगों की आंख में मूल्यवान होना चाहता है, ईश्वर की आंख में नहीं। जो शादी में जाना हो उसको छोड़कर सत्संग की जगह पर जाए, वो व्यक्ति लोगों की दृष्टि में भले मूल्यवान ना हो, लोग बोले देखो ये आया नहीं, पर ईश्वर की दृष्टि में वो व्यक्ति मूल्यवान हो जाता है कि इसकी सत्संग में कितनी रुचि है, भगवान के विषय में सुनने में इस आदमी को कितना रस आता है, ईश्वर खुश होंगे। तो भगवान कहते हैं तीन का त्याग न करें, पावनाणी मनीषणाम, अगर ये कर्म बुद्धिपता पूर्वक किए जाएं तो हृदय पवित्र होता है और जीवन सफल होता है। लोग बोलते हैं मुंबई माया नगरी है, पर यहाँ देखो आज पहला दिन पहला सत्र है, फिर भी पंडाल में लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, और मुझे लगता है थोड़ी देर में पंडाल छोटा पड़ेगा, इसको और बड़ा करना पड़ेगा। वो व्यवस्थापकों को मैं अभी से निवेदन कर रहा हूँ कि पंडाल और बड़ा करने की तैयारी अभी से कर लें, ताकि थोड़ी देर बाद लोगों को फिर धूप में न बैठना पड़े, ऐसी कोई अपनी तैयारी समिति वाले और व्यवस्थापक रखें। तो थाली नौकर के हाथ ही भिजवा देते, सुबह चाय का टाइम होता तो चाय एक भिजवा देते, बाप बेचारा दुखी दुखी हो गया कि बुढ़ापे में मैंने सब इनके नाम किया और ये ऐसा कर रहे हैं। गया एक संत के पास और कहा कि महाराज जी ऐसी बात है, महाराज ने भी युक्ति बता दी, दादा आए घर, थोड़ी देर के बाद दो हट्टे कट्टे मजदूर एक लोहे की संदूक लेकर आए, बड़ी, पहले के जमाने में नहीं लोहे की पेटियां होती थी बड़ी बड़ी, और उस पे ताला लगा था बड़ा अलीगढ़ का, और वो दो मजदूर संदूक उठाकर लाए, कहा दादाजी बताइए ये संदूक कहाँ रखें, बड़ा कीमती सामान है इसमें। बोले मेरे कमरे में रखो, और कहीं मत रखो, मेरे कमरे में रखो, चाबी मुझे दे दो। हाँ ठीक है दादा, ये लो। तो बेटे और बहू आए, दादा क्या है इसमें, दादा क्या है, अरे बोले क्या है इसमें, तो वो है जो आपने कभी देखा भी नहीं बेटे, क्या है, बोले अपने दादा परदादाओं की संपत्ति, हीरे हैं, हीरे और सोने के बिस्किट हैं इसमें बहुत सारे, अब उठा के देखो वजन, तुम तो उठा भी नहीं पाओगे। बेटों ने देखा सचमुच है वजन, सोचा मतलब बूढ़े के पास माल अभी भी था इतना सारा, हमको तो पता ही नहीं। अब तो बहुएं, दादा चाय पियोगे, कॉफी पियोगे कि चाय पियोगे, कॉफी पियेंगे कि चाय, ए चाय में पानी मत डालना, एकदम दूध की चाय बनाओ मस्त दादा के लिए, खाना का टाइम हो तो दादा क्या खाओगे,
रोटी खाओगे कि पराठे खाओगे, सीरा खाओगे, सब्जी कौन सी पसंद है आपको? दादा को तो मजा आ गया कि वाह रे वाह, बुढ़ापे के दिन अच्छे कटने लग गए, शाम को भी चाय मिलती, नाश्ता मिलता, रात को भी मनपसंद खाना बनता। तो कुछ दिन उन्होंने सेवा की, फिर कहा दादा इसकी चाबी तो दो। बोले अभी नहीं दूंगा, मैं जब मर जाऊंगा तुम वचन दो, मैं तुमको जगह बताऊंगा, मेरा 12वां पूरा हो जाए उसके बाद पेटी खोलोगे, उसके पहले नहीं। हाँ बोले हाँ नहीं खोलेंगे, 12वां पूरा करके ही खोलेंगे। अब तो सेवा खूब होती रही, आखिर मृत्यु तो सबकी होनी है, दादा मरे, बेटों ने भी खूब पैसा लगाया 12वें की विधि करने में, कोई कसर नहीं रखी कि माल खूब पड़ा है पेटी में। अब जाकर जब ताला खोला, संदूक का ऊपर का ढक्कन ऊंचा उठाया तो चक्कर आ गए सबको, सर्दी थी और पसीने आ गए, क्योंकि अंदर ये बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। भौतिक लोभ की निवृत्ति भगवान ने कहा है दान, यज्ञ दान और तप, ये तीन काम कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। और अथर्ववेद में भी ये प्रार्थना की गई है कि हे भगवान, हम पहले जो सत्संग जप तप किया है वो हम आगे भी करते रहें, अभी भी करते रहें, भविष्य में भी हमारे द्वारा ये होता रहे। जैसे कई पूनम व्रतधारी साधक मिलते हैं तो बोलते हैं कि बस हमारी इतनी पूनम हो गई, अब जब तक जिंदा हैं तब तक हमारा ये पूनम व्रत चलता रहे, कभी छूटे नहीं, ऐसी उनकी भावना है। तो कितनी अच्छी भावना है। तो संसार है लेने वाला, ईश्वर है देने वाले। तो जिसका मन लेने वाले में लगता है समझो भविष्य खतरे में है, और जिसका मन देने वाले में लगता है समझो उसका भविष्य बहुत बढ़िया है।